रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी रहलत से कुछ अरसा कबल अर्शाद फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे मिंबर पर कुछ बंदर सवार हैं। बस वक्त अपनी मंजिल तय करता करता इस मुकाम पर पहुंचा कि यजीद लानतुल्लाह अलैहि ने तख्त संभाल लिया और हुक्म भिजवाया कि या तो हुसैन का सर कलम कर दिया जाए या मेरी बैत ली जाए। उस वक्त हुसैन इब्ने अली ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया, ए यजीद जान ले कि मुझ जैसा तुझ जैसे की कभी बैत नहीं करेगा। तारीख गवाह है कि उस दिन के बाद मदीने के लोगों ने अहले बैत का मदीने में रहना दुश्वार कर दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ने का फैसला किया। बस रवानगी से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की कब्र पर आए और कहने लगे, ए नाना, ए खुदा के पैगंबर, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, आपका बेटा और आपकी बेटी का फर्जंद। मैं इस उम्मत में आपके यादगार हूँ नाना। मेरी इताअत का आपने हुक्म दिया था, मगर गवाह रहना कि इस उम्मत ने मेरा कोई साथ न दिया और मेरी कदर को भी जाया कर दिया। मेरी हुर्मत और मेरे अहले बैत का भी कोई लिहाज न रखा। बस आया हूँ कि आपसे आपकी उम्मत की शिकायत कर सकूँ। बस फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोते हुए उठे और फिर मदीना को ऐसा खैर आबाद कहा कि फातिमा का लाल कभी पलट के ना आया।